नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं वास्तु के ऊपर। यदि आप अपना नवीनतम मकान बना रहे हैं, यानी अभी आप सोच रहे हैं कि हम नया मकान बनाएं, तो अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किस दिशा में यदि आप अपनी रसोई रखें तो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगी। देखिए दोस्तों, रसोई के लिए अग्नि कोण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, यानी नंबर वन पोजीशन पे आते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर। यदि आप यहां पर रसोई बनाएंगे तो आपके ऊपर मां अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि अग्नि का स्थान है। यदि आप यहां पर बनाएंगे तो आपकी गृहिणी खाना बनाते समय हमेशा प्रसन्न रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और जो भी खाना बनेगा वो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो कोशिश करें, जब कभी भी आप अपना नया घर बना रहे हैं तो इस वास्तु के प्रिंसिपल का आप खास तौर से इस्तेमाल करें कि आप साउथ ईस्ट, नंबर वन दिशा साउथ ईस्ट में अगर आप बनाएंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। परंतु यदि आप साउथ ईस्ट में रसोई नहीं बना सकते तो दूसरा उसका जो कोना रहेगा वो रहेगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यदि आप रसोई बनाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये हवा का स्थान है, वायु का स्थान है, और अग्नि को जलाने के लिए हर हालत में हमें हवा चाहिए। पर एक चीज खासियत ये है कि जो लोग भी नॉर्थ वेस्ट में किचन बना देते हैं उनके घर में मेहमान थोड़े से ज्यादा आते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है, मेहमान आने चाहिए। आप यहां पर बनाएंगे तो भी आपकी वाइफ प्रसन्न रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब बढ़िया रहेगा। इसके अलावा यदि आप नॉर्थ वेस्ट में भी आप किचन नहीं बना सकते तो तीसरा कॉर्नर मैं आपको बताऊंगा, ईस्ट। ईस्ट कॉर्नर में सूर्य का स्थान है तो यहां पर भी आप रसोई बना सकते हैं, बट ये थर्ड नंबर पे आती है। हमारे गुरुजी ये कहा करते थे कि जिन लोगों की भी ईस्ट में रसोई होती है उनकी वाइफ चाहे कितना भी आप धन धान्य दे दीजिए वो थोड़ा सा प्रसन्न नहीं रहती। तो ईस्ट में अगर कोशिश करें, अगर आप अवॉइड करें तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप वैसे ईस्ट में आप बना सकते हैं, उसके बाद कोशिश करें अपनी वाइफ को थोड़ा प्रसन्न रखें। चौथा कॉर्नर, यदि आप ईस्ट में भी नहीं बना सकते तो चौथा कॉर्नर जो सबसे सेफेस्ट कॉर्नर माना जाता है वास्तु का, दैट इज वेस्ट, शनि महाराज इसके मालिक होते हैं। इस दिशा में तो बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसको हम सबसे सेफेस्ट कॉर्नर मानते हैं। यहां पर आप रसोई बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पर सब कुछ बढ़िया रहेगा। परंतु यहां पर एक बहुत नुकसान हमारे को सबसे ज्यादा ये रहता है कि यदि वेस्ट कॉर्नर में हमने रसोई बनाई तो हमारे घर में खाना बच बहुत जाता है, यानी अगर आपने जितना भी आप लिमिटेड खाना भी बनाएंगे तो भी खाना आपका हमेशा बासी खाना आपके फ्रिज में पड़ा रहेगा, तो ये थोड़ा सा नुकसान होता है। परंतु आप यहां पर भी आप रसोई बना सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट कहीं भी रसोई नहीं बना सकते तो लास्ट कॉर्नर रह जाता है साउथ, पांचवें नंबर पे आता है। यहां पर आप रसोई बना सकते हैं परंतु ये एकदम लास्ट ऑप्शन है। यहां पर रसोई बनाने से भी कहीं ना कहीं अन्न वेस्ट जाता है, इसके अलावा कहीं ना कहीं मांस मदिरा का घर में प्रयोग होने लग जाता है, तो कोशिश करें इसको भी आप अवॉइड करें। पर लास्ट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप यहां पर बना सकते हैं, पर इसके अलावा और किसी भी दिशा में आप रसोई को ना बनाएं, अन्यथा बहुत ही नुकसान आपको पड़ेगा। साउथ वेस्ट में आप बनाएंगे कोर्ट केसेस हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, भ्रम स्थल को तो हम छेड़ ही नहीं सकते बिल्कुल भी। नॉर्थ में बनाया तो इसे हम कहते हैं कि धन को जला करके खाना बनाना, तो नॉर्थ में नहीं आप, क्योंकि ये कुबेर का स्थान होता है, यहां पर नहीं आप रसोई बना सकते। और नॉर्थ ईस्ट को तो आप भूल ही जाइए, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने किचन बना लिया तो आप समझ लीजिए आप अपनी सुख समृद्धि को खुद आग लगा देंगे। तो बेटर है आप इन सब कॉर्नर्स को अवॉइड करें, अगर बहुत लास्ट ऑप्शन भी हो तो आप एंड में पांचवें साउथ दिशा में आप अपनी रसोई को बना सकते हैं, बाकी और किसी दिशा में रसोई का बनना वर्जित है। इसी के साथ आगे चाहूंगा मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल।